142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की एक बैठक गुरुवार को नया परिसदन भवन में हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावे कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, जदयू, भाकपा, भाकपा माले के सभी अगुआ नेता शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि आखिर एक साथ 142 सांसदों का निलंबन क्यों किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि 142 सांसदों का निलंबन किया गया है शाही है, इसका हम सभी गठबंधन के नेता विरोध करते हैं। ऐसा आचरण लोकतंत्र के लिए घातक है। कहा कि जनता ने सांसदों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चुनकर भेजी है, लेकिन केंद्र सरकार अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश पर संसद में हरकत करने वाले संसद के अंदर गए। बस संसद के अंदर है, लेकिन जिन्होंने संसद की सुरक्षा पर सवाल उठाया उन्हें निलंबन का दंश झेलना पड़ रहा है। यह सरासर अधिकारों का दुरुपयोग और लोकतंत्र की हत्या है। जबकि भाकपा माले के राजेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा नैतिकता के नाम पर नौटंकी कर रही है, केंद्र में हुई तो चुप, वहीं विधानसभा की कार्रवाई पर बवाल कर रहे हैं। सारे जांच एजेंसियां भारत सरकार के हैं, धीरज साहू मामले में जांच एजेंसी काम कर रही है तो भाजपा नौटंकी क्यों कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर ने कहा कि आज केजरीवाल 22 को तेजस्वी यादव और 27 को लालू यादव को ईडी से बुलावा आया है। केंद्र सरकार की मंशा विपक्ष को खत्म कर देने की है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि नादिरशाही सरकार का पतन खुद की करनी से हुई थी, मोदी सरकार भी उसी राह पर है। बैठक में जदयू जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, शहनवाज अंसारी, अभय सिंह, अजीत कुमार, कांग्रेस पार्टी के अशोक विश्वकर्मा, मदन विश्वकर्मा सहित गठबंधन दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। वही बैठक के दौरान इतने बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का शुक्रवार को अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी सफलता को लेकर बैठक में गहन विचार विमर्श की गयी। गठबंधन के निर्देश के आलोक में चूँकि देर रात ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि लोकसभा में 142 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में पूरे देश में कल विरोध प्रदर्शन करना है। इसी क्रम में चूँकि ये समय कम है, इसे फिर भी गिरिडीह जिले में ये विरोध के स्वरूप में हम लोग टावर चौक पर एक धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जो भी साथी आटेंगे उपस्थित होंगे और किन कारणों से 142 सांसदों को निलंबित किया गया है गिरिडीह के जनता के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, बताने का काम करेंगे कि लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की जा रही है, जिस कारणों से लोग कांग्रेस को खड़खड़े में खड़ा करते हैं उससे कई मील आगे, कई दूर आगे भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकारें कर रही हैं, किस तरीके से लोगों के बातों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी रख के मनमानी कराया जा रहा है, कानूनों में छेड़छाड़ करके देश को जिस तरीके से कॉरपोरेट अपने मित्रों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकारों के कार्यप्रणाली को, इसके विरोध में कल हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग सभी इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ पर एकजुट हुए। आज का उद्देश्य ये था कि जो 142 विपक्षी दल के सांसदों को जो केंद्र सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया था उनका हम लोग का कल 22 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन करना, जो शहर के झंडा चौक में हमें सभी दल के लोग वहाँ पर जुटेंगे और वहाँ जुटने के बाद हम लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए टावर चौक तक स्कूल स्तर भ्रमण करते हुए टावर चौक पर आएंगे, वहाँ धरना कार्यक्रम होगा और इस सरकार के द्वारा अपने बातों को पूछने का अधिकार हम लोग को नहीं दिया जाता। हमारी जनता जिसको चुनी है, हमारी संसद जिसको बनाया गया है, जब पूछते हैं कि इतनी बड़ी चूक देश में कैसे हो गई, कैसे वो लोग आतंकवादी वहाँ घुस गया, उनके साथ कल गन होता तो क्या होता, जो 22 साल पहले जो की घटना हुई थी उन्होंने तो हो जाती तो क्या आपकी सुरक्षा एजेंसी वहाँ क्या कर रही थी। ठीक है, किसी सांसद ने पास बनवा दिया लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते उनकी क्या दायित्व थी, आपने उनको बिना सिक्योरिटी जाँच करके हमने जान दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक। यही बात को हमारे सांसद लोगों ने उनसे पूछा तो उनको निलंबित कर दिया गया। यही सब के हम लोग का कल जो है सुनी सब मुद्दों को लेकर कल हम लोग का एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम।
नाम वही अंदाज वही। 20 वर्षों से अनवरत आपकी सेवा में गिरिडीह शहर के हिदरस्थली मगतपुर के मोरारका मार्केट से A1 ड्रेसेस की बिल्कुल नई और भव्य प्रतिष्ठान में आपको मिलेगा मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर का विशाल संग्रह। साथ ही साड़ियों की एक से बढ़कर एक कलेक्शन के अलावा स्पार्की फ्लू, R9, सियाराम जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक से बढ़कर एक फैशनेबल कपड़े जैसे जॉकी, टीनेजर, पैरिस ब्यूटी, केनर वेयर और आउटर वेयर फुल रेंज और रीजनेबल प्राइस में। तो इस त्योहार खुद को दीजिए ट्रेडिशनल लुक। पता याद रखें, A1 ड्रेसेस बरगंडा रोड लोहार गली से पहले गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक के सामने मकतपुर चौक गिरिडीह।